हेलो एल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं प्लांट्स। प्लांट्स पर हम दुकान में जाकर प्लांट्स नहीं देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट शो करता हूँ प्लांट्स की, और मैं कुछ उस बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। प्लांट्स के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कौन से वो 12 ईजिएस्ट प्लांट है जो हम अपने एक्वेरियम में इजिली ग्रो कर सकते हैं। उससे पहले यार, आज का क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। हाँ, हमेशा क्वेश्चन में एंड में पूछता हूँ, पर आज का क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं अपने हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यार, आज का क्वेश्चन मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दे रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन यार ध्यान से सुनो। विच इज द किंग ऑफ एक्वेरियम, मतलब विच इज द किंग एक्वेरियम। ऐसी कौन सी फिश है जो एक्वेरियम की किंग मानी जाती है? बहुत सारी मतलब होती है, पर किंग कौन से बोलते हैं, जिसको हम किंग बोलते हैं, जो सभी एक्वेरियम की किंग होती है। तो विच इज द किंग ऑफ एक्वेरियम फिश, तो आप ऐसा कुछ समझ लो। और ये रहा आज का क्वेश्चन। जो भी इसका नाम देगा, इसका जो भी आंसर देगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम मेंशन कर दूंगा। उसके साथ में आज की वीडियो हम फटाफट से शुरुआत करते हैं और आते हैं हमारे पहले प्लांट पे। तो चलो मिलते हैं वीडियो में, और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फटाफट से देरी ना करते हुए आज हम वीडियो को फटाफट से शुरुआत करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के साथ में, मेरी खत्म कर देते। चलो कम ऑन। तो हमारा पहला प्लांट है लोटस प्लांट। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है एक्वाटिक में, हमारे अंदर जो हम एक्वेरियम के अंदर ग्रो करते हैं। बहुत ही मस्त प्लांट है ये। ओरिजिन अफ्रीका से बिलोंग करता है, और जो इसकी हाइट होती है वो होती है 4 to 6 inches तक इसकी हाइट बढ़ती है। और इसका जो पीएच अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको उसके लिए 6 to 7.5 तक इसका रेशियो है। ये केयर में भी काफी इजी होता है, इसको ज्यादा हाई लाइट की जरूरत नहीं है। ये नो CO2 भी ग्रो कर जाएगा अगर आप थोड़े से फर्टिलाइजर यूज करो। प्रवलीट प्लांट, शायद मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ यार, तो नीचे देख लेना, अच्छे से नाम देख लेना। इसका नाम बहुत ही प्यारा है, उसके साथ में जितना नाम इसका प्यारा है उतना ही प्यारा ये प्लांट भी है। इसको ना काफी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है, सब्सट्रेट में सिर्फ अच्छा ग्रो कर लेता है। इसलिए अच्छा सब्सट्रेट और न्यूट्रिशन सब्सट्रेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हाइट होती है वो तो 12 inches, और पीएच जो होता है वो होता है 6.5 to 7.5 तक का पीएच होता है। टेक केयर की बात कर लिया तो बहुत ही इजी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट भी। लाइट की थोड़ा सा हाई लाइट इसको लगता है थोड़ा ग्रो होने के लिए, और ये लो CO2 में भी ग्रो सकता है। मैंने ध्यान से सुना क्या बोल, मैंने लो CO2 कहा है, मतलब कम CO2 में भी ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। हमारा जो तीसरा प्लांट है वो है चेन सॉड। एक चेन होती है, ये चेन की तरह ग्रोथ करता है, रूट्स को अपने फैलाते जाते हैं और काफी फास्ट ग्रो करता है। अगर हम बात करें तो ये एक कारपेट प्लांट है, लोग इसको कारपेट लिए ग्रो करते हैं। पीएच लेवल की बात करो तो 6.5 से लेकर 7.5 तक रहता है। इसका केयर लेवल भी काफी ईजी है, इसको थोड़ी लाइट हाई लगता है, ये लो लाइट में ग्रो नहीं करता है। हाई लाइटिंग रखना बहुत ही जरूरी है। बात करें कि CO2 उतना जरूरी नहीं है, फिर भी लो CO2 प्लांट है, मतलब फिर भी ठीक ठाक है, ग्रो कर जाएगा अगर आप इसको अच्छा न्यूट्रिशन सब्सट्रेट देते हो, आपके टैंक में अच्छा ग्रो कर जाएगा थोड़े से वाटर चेंज साथ में। हमारा फोर्थ जो प्लांट है वो है काफी कमल का प्लांट है, अमेज़न सॉड। और तुमको पता है कि ये प्लांट कौन सा है? मैं इसमें थोड़ी देर बात करूँ तो पहले सबसे पहले इसका पीएच है वो है 6.5 से लेकर 7.5 तक रहता है। लाइट की बात करते हैं, इसको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, लो लाइट में भी इजिली ग्रो कर लेगा। लो मेंटेनेंस है, CO2 की भी इतनी जरूरत नहीं है, काफी अच्छा ग्रो कर जाता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन सब्सट्रेट हो, प्लांट काफी अच्छा ग्रो करता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट यार एक्वेरियम के लिए। हमारा फिफ्थ जो यहाँ पे प्लांट आता है वो है लोड्रिगा रूपेंस। काफी अच्छा प्लांट है, रेड कलर का आता है, और आप इसको अगर बैकग्राउंड में लगाओगे तो काफी प्यारा भी दिखता है। अभी लो CO2 लगता है, मतलब CO2 की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा अच्छा फर्टिलाइजर लगता है। इसको आप हाई लाइट प्रोवाइड करो, अगर इसको रेड है एकदम, आपको रेडिश चाहिए कि एकदम रेडिश कलर आए, तो इसको हाई लाइट लगता है। लो लाइट में ये पीला या फिर येलो कलर का आ जाएगा, या फिर पिंक कलर दिखाएगा, अलग अलग कलर दिखाएगा, तो इसको हाई लाइट लगता है, काफी अच्छा लाइट लगता है, तब जाके ये रेड कलर में आता है और काफी अच्छा प्लांट है। पीएच की बात करूँ तो 6 से लेकर 8 तक के बीच में अगर पीएच लेवल है तो काफी अच्छा आता है। नंबर 6 पे जो आता है हमारा कोकोम्बा प्लांट, तो काफी लोग अपने प्लांट में मतलब यूज भी करते हैं और इसको बहुत सारे लोग जानते भी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस प्लांट के बारे में, तो इसको सबसे पहले तो पीएच लेवल सुन लो, 6 से लेकर 7 तक का पीएच लेवल अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये चल जाता है। इसको लो लाइट लगता है, लो CO2 लगता है, लो फर्टिलाइजर लगता है, लो ये काफी इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर एक बार आप इसको अपने टैंक में लगा दो सब्सट्रेट में तो ये काफी अच्छा ग्रो कर जाएगा। और हाँ, अगर आपके फिशेस है जो निबलिंग करती है, जो मतलब प्लांट्स खाती है, उनके साथ मत रखना, नहीं तो आपको ये सारे प्लांट खा जाएंगे। बाद
सेवन नंबर पे हमारा आता है वाटर विस्टर। ये काफी अच्छा प्लांट और अमेजिंग प्लांट है। अमेजिंग प्लांट इसलिए क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है, जो उसकी पत्ती जो आती है, वो स्टार शेप की आती है, काफी खूबसूरत दिखती है टैंक। अगर आप इसको लो लाइट में रखते हो, थोड़ा कम लाइट रखते हो, तो ये उसमें ग्रो नहीं करता। इसको थोड़ा ग्रो करने के लिए अच्छा लाइट चाहिए, थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी चाहिए अगर आप इसको अच्छा ग्रो करना चाहते हो। तो लो CO2 रिक्वायरमेंट है, मतलब ज्यादा CO2 की जरूरत नहीं है। इसकी बात करो तो 6 to 7 रखना बहुत बेस्ट है। नंबर 8 पे हमारा अनुबियस प्लांट, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है फॉर बिगनर्स के लिए। इससे अच्छा प्लांट नहीं हो सकता, अगर मेरी चॉइस में तो सबसे अच्छा प्लांट है। इसको लो CO2, लो लाइटिंग, लो फर्टिलाइजर या फिर कम रिक्वायरमेंट में भी काफी इजीली ये प्लांट ग्रो कर जाता है। की बात करूं तो 8 to 9 pH में भी ये चल जाता है। काफी हार्डी प्लांट होता है, इजीली मरता भी नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है फॉर बिगनर्स। नंबर 9 पे आता है हमारा जावा फन, वन ऑफ द मोस्ट प्लांट है, मोस्ट फेवरेबल प्लांट है। ये बहुत ही कमाल का प्लांट है। जावा फन एक ऐसा प्लांट है, अगर इसको आप डी फ्रूट पे लगा दो, जिसका आप डी फ्रूट हो, स्टोन वहाँ पे आप इसको स्टिक कर सकते हो, यहाँ पे ये काफी इजीली ग्रो कर जाता है। लो लाइट चाहिए, लो CO2 चाहिए, लो फर्टिलाइजर चाहिए, फिर भी ये काफी अच्छा ग्रो कर जाता है। पीएच की बात करें तो 6 to 7 भी पीएच इसको चल जाता है और काफी अच्छा प्लांट है। नंबर 10 पे हमारा वैलेंसनेरिया, काफी अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको लो CO2 लगता है या फिर लो मेंटेनेंस प्लांट बोल सकते हो, या फिर वन ऑफ द बिगनर के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके लिए थोड़ा न्यूट्रिशन सबसे थोड़ा अच्छा चाहिए। पीएच लेवल की बात करें तो 6 to 7 पीएच है, काफी इजी टू ग्रो प्लांट है। आपको थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा अच्छा ग्रोथ करता है। नंबर पे जो प्लांट आता है वो है क्रिप्टोकॉर्न वेंटिटी। ये काफी इजी टू ग्रो प्लांट है, लो CO2 प्लांट है, 8 inches तक इसकी ग्रोथ होती है, लो लाइटिंग में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। पीएच की बात करें तो वो 5 to 8 रहता है पीएच इसका। काफी इजी टू ग्रो प्लांट है, पर थोड़ा सा इसको फर्टिलाइजर लगता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो अगर आप इसके डीकी लीव्स इसको काटते रहो, नहीं तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। काफी सारे कलर्स में आता है, ग्रीन, येलो में आता है, रेड में भी आता है, और काफी अच्छा मस्त। हमारा लास्ट जो प्लांट आता है वो है क्रिसमस मॉस। क्रिसमस मॉस भी काफी इजी टू केयर है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लो CO2 में भी ग्रो कर जाता है, लो लाइट लगता है, और ये ब्राजील से आता है। इसको 25 डिग्री होना चाहिए सेल्सियस वाटर का, तब जाके ये अच्छा ग्रो करता है। पीएच की बात करो तो 5 to 7.5 के बीच में रहता है। ये काफी इजी टू ग्रो प्लांट, बस थोड़ा सा इसको ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ज्यादा ग्रो हो जाता है तो इसको कट करना, ट्रिम करना, इसको बहुत रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करना बहुत जरूरी है, और वाटर पैरामीटर भी बहुत जरूरी है।